हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ रिलायंस पावर। सो फ्रेंड्स, जल्दी से इस वीडियो में हम सारी कुछ डिटेल डिस्कस करेंगे जो कि मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन मुझे इससे बहुत बड़ी हेल्प होगी और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप तक बना के पहुँचाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आप लोगों को कि इस वाले शेयर में हमें कंटिन्यूसली आने वाले कुछ दिनों में अपर सर्किट दिख सकते हैं, और क्या कुछ न्यूज़ इससे रिलेटेड थी वो मैंने सब डिटेल्स मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों तक पहुँचाई है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप मेरे लिस्ट में जाके देख सकते हो कि मैंने क्या न्यूज़ और क्या अपडेट थे रिलायंस से रिलेटेड वो शेयर किए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज भी हमें ये 4.73% का अपर सर्किट देते हुए दिख रहा है, और ये प्राइस है 16.60 NSE की। अगर हम BSE पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 17.04 इसने हाई बनाया फ्रेंड्स, और 4.99% का अपर सर्किट है BSE पे। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी सेशन ख़त्म होने को मोर देन 30 मिनट्स बाकी है, और 100% डिलीवरेबल क्वांटिटी है फ्रेंड्स। जितना भी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, 3 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड हुआ है अभी तक BSE पे, सारा का सारा डिलीवरेबल क्वांटिटी फ्रेंड्स। और अगर हम NSE की भी बात करेंगे तो NSE पे भी जब मैंने लास्ट टाइम देखा था, 2 करोड़ लाइक 2.38 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, और उसमें भी डिलीवरेबल क्वांटिटी बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। तो बाकी जो भी हमें मार्केट में दिख रहा है, बाकी सब चीज़ें इस शेयर के लिए बहुत परफेक्ट हो रही है। रिलायंस कंपनी जो भी डिसीजंस ले रही है, रिलायंस के जो भी बिजनेसेस हैं उनको लेके, वो हमें पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, और उसी की वजह से हमें ये शेयर में बहुत अच्छी रैलीज देखने को मिल रही है। आने वाले कुछ वीडियोस में भी मैं पूरी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा रिलायंस से रिलेटेड। तो फिलहाल के लिए एक अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करता हूँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनिल अंबानी लेड ग्रुप मार्केट कैप जूम 1000% इन 20 सेशन, मतलब लास्ट 20 सेशन में 1000% रिलायंस के जो भी बिजनेसेस थे फ्रेंड्स, उनकी मार्केट कैप बढ़ गई है। तो कौन से वो थे वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे आप देख सकते हो वो सब। तो पहले बताता हूँ कि मार्केट कैप कितना था। तो मार्केट कैप अभी रेज हुआ है 7,863 करोड़, कहाँ से, फ्रॉम 733 करोड़। तो ऑलमोस्ट 1000% मार्केट कैप बढ़ गई है इन कंपनी की जो भी रिलायंस की थी। तो मैं बताता हूँ आपको कि कौन सी कंपनी है। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, और रिलायंस पावर है, और तीसरा है रिलायंस कैपिटल। तो रिलायंस कैपिटल को हम फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि रिलायंस कैपिटल को रिलायंस इंडस्ट्रीज सेल कर रहा है अभी। ये जो पर्टिकुलर शेयर है कंपनी है, ये उन इसकी बेटिंग चल रही है, और वो बेटिंग में जो भी अच्छा बायर मिलेगा उसको ये वाला कंपनी जो है रिलायंस ग्रुप सेल करने वाला है। और हम बात करते हैं अभी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की और रिलायंस पावर की, जिसमें हमने ऑलरेडी देख लिया है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मोर देन 300% की रिटर्न दे चुका है पिछले 2 मंथ्स के अंदर, और रिलायंस पावर भी हमें दिख रहा है कि मोर देन 200% रिटर्न दे चुका है, और आगे भी जो डेप क्लियर करने के जो जो पाथ रिलायंस ने चूज़ किया है अनिल अंबानी जी ने, वो 2022 मार्च तक चाहते हैं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेप फ्री बने, और वो उसी तरीके से रिलायंस पावर को भी सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर वो चीज़ें होती है तो ये शेयर हमें आने वाले कुछ दिनों में मल्टी बैगर बनता हुआ देख सकता है। तो आप भी फ्रेंड्स, आप आपका खुद का एनालिसिस कीजिए, और ऑन बेसिस ऑफ दैट आप इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो भी प्राइस आपको ठीक लगता है उस प्राइस में आप एंटर कर सकते हो, लेकिन वो सब आपका खुद का डिसीजन होगा, क्योंकि पैसा भी आपका रहेगा फ्रेंड्स। तो यही डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।